हेलो वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्रिएट करते हैं 5 डिफरेंट टाइप के रिंग्स। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया हल्दी फंक्शन के लिए, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर रिंग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने शादी के कार्ड से एक सर्कल कट किया और उसमें फिर पोलन स्टिक किया। पोलन स्टिक करने के बाद मैंने गोटा पट्टी का जो सर्कल आता है उसको स्टिक किया, जिसमें एक फोम फ्लावर स्टिक किया है। फिर इस तरीके से करने के बाद हमने इसमें एक रिंग बेस अटैच किया, तो इस प्रोसेस से बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर रिंग बन करके रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम दूसरा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो दूसरे डिज़ाइन के लिए भी मैंने एक सर्कल कट किया है और उसको येलो कलर के क्लॉथ से कवर किया है। फिर इसको कवर करने के बाद हमने इसमें एक राउंड मिरर बिग साइज का जो आता है उसको अटैच किया है, स्टिक किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें घुंघरू लगाए हैं साइड पे येलो कलर के, तो उसको मैंने थ्रेड की हेल्प से अटैच किया है। तो इसको मैंने घुंघरू को 4 पार्ट में अटैच किया ताकि ये निकले नहीं और प्रॉपर राउंड लुक आए। तो इस तरीके से आप भी अटैच करके बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग बना सकते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें बेस अटैच किया है। ये रिंग पहनने में जितनी प्यारी लग रही थी ना, उतनी ही इसकी आवाज़ सुनने में प्यारी लग रही थी। तो इसको आप जरूर बनाएं और बना करके मेरे साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो चलिए अब तीसरा टाइप क्रिएट करते हैं। तो तीसरे टाइप के लिए भी मैंने सर्कल कट किया है और उसको क्लॉथ से कवर किया है। फिर क्लॉथ से कवर करने के बाद मैंने इसमें फ्रेम्ड स्टोन जो आते हैं उसको स्टिक किया है। मैंने इसमें ट्रायंगल शेप के फ्रेम स्टोन का यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने इसके साइड पे कौड़ी सेल्स जो आती है ना फेक वाली, उनको अटैच किया। इसके लिए मैंने टर्मरिक येलो जो कलर होता है उस कलर की कौड़ी चूज़ की थी पहले, लेकिन मेरे पास वो सफिशियंट नहीं थी, कम पड़ गई थी। इसके लिए फिर मैंने लेमन येलो कलर की जो है उनको भी ऐड कर लिया था। तो इस तरीके से बनाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग बन करके रेडी हो गई थी। तो चलिए अब हम चौथी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल कट किया और उसको फिर क्लॉथ से कवर किया है और इसके सेंटर पे स्मॉल साइज का राउंड मिरर अटैच किया है। फिर इसके ऊपर हमने ग्रीन कलर का मिरर फ्रेम अटैच किया है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया और इसके साइड में राउंड फ्रेम्ड स्टोन अटैच किए हैं और फिर इसमें रिंग बेस अटैच कर दिया है। तो चलिए पांचवा टाइप क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने सर्कल कट किया है और इसमें पोलेंस अटैच किए हैं, सेम पहले वाले के तरह का प्रोसेस है इसका। फिर इसके बाद हमने इसमें गोटा का जो फ्लावर आता है राउंड शेप वाला उसको अटैच किया है। और इसमें फिर मैंने क्या किया है कि जो झुमके का बेस आता है उसको क्लॉथ से कवर करके उसमें रेड कलर के स्टोन्स लगा करके उसको अटैच किया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और बताएं कि आपको कौन सी रिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।